नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए मैं आपको फिर से एक बार लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आज हम बैंक निफ्टी में काम करेंगे। तो आप देख पा रहे हो, निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है और बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। तो मैं चार लॉट के साथ काम करूंगा। तो मैंने चार लॉट यहाँ पे सेल कर चुका हूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है, ट्रेड कब मिलता है, कैसे होता है। मैं आपको पूरा सब एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को पूरा देखिए सिर्फ। तो चलिए, ये मेरा पहला ट्रेड था जिसमें मेरा 900 रुपये का लॉस हुआ था, जो निफ्टी में किया हुआ था मैंने। तो चलिए, हमें बैंक निफ्टी का फिर से ट्रेड मिल चुका है। चार लॉट सेल किए हमने, 21488 यहाँ, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। तो आप देख पा रहे हो, उसके सामने एमटीएम में आपको लॉस और प्रॉफिट का जो भी नंबर है देख सकते हो आप। तो दोस्तों, यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन साइड जा सकता है और मैंने सेल किया है उसी डायरेक्शन में। तो मैं 50 या 60 पॉइंट के लिए काम करूंगा, 50 या 60 पॉइंट्स के लिए। जैसे मुझे मेरा प्रॉफिट दिखेगा, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अभी आप देख पा रहे हो, 230-500 के आसपास लॉस प्रॉफिट दिखा रहा है। और मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा मुझे अपना टारगेट मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि इतनी डाउनसाइड मोमेंट तो नहीं दिख रही। ग्लोबल क्यूज भी अच्छे हैं और हमने थोड़ा ट्रेंड के मतलब अपोजिट ट्रेंड डायरेक्शन में ट्रेड लिया है। तो थोड़ा सा मैं अपना टारगेट मॉडिफाई कर रहा हूँ दोस्तों। ये देखें, मैंने अपना टारगेट थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। और ये भी मतलब ये थोड़ा सा ऑर्डर स्प्लिट हो चुका है, ब्रैकेट ऑर्डर में ऑर्डर स्प्लिट हो जाता है, तो हमें वो ढूंढ के मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इसको भी मॉडिफाई कर दिया, ये आखिरी वाला, इसको भी मॉडिफाई कर देता हूँ। तो 21363 से 214110, मतलब 21410 यहाँ ये मॉडिफाई कर दिया मैंने टारगेट अपना। लगभग 90 पॉइंट्स का टारगेट मैंने रख चुका हूँ। देखिए, अभी एमटीएम में दिखा रहा है 1800-1900 और नीचे टोटल में देख सकते हो 1000 रुपये के आसपास दिखा रहा है। मतलब जो भी प्रॉफिट है, वो जो पहला ट्रेड था, वो उसमें माइनस होकर जो भी है वो टोटल नीचे दिखेगा। तो चलिए, वेट करते हैं, जो भी है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ये चार्ट देखना बहुत ही जरूरी बन जाता है जब भी आप ट्रेड करते हो, क्योंकि आपका इसमें पैसा लगा हुआ है। तो आपको ये कंफर्म करना बहुत ही जरूरी है कि आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको अपना स्टॉप लॉस मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ओके, देख सकते हो आप, बैंक निफ्टी मेरे ट्रेंड में मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था उसी के डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे अभी 2000 के आसपास दिख रहा है, 2500 बन गया। लगता है मुझे थोड़ा और भी टारगेट मेरा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 21459 और 21460 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे थोड़े बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो चांसेस है कि मैं, देख सकते हो, मैं यहाँ से थोड़ा सा और भी अपना टारगेट मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो चलिए, 21410 से 21435 कर देता हूँ मैं। सभी वैसे ही मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे, और दो करना बाकी है, वो भी कर देता हूँ। चलिए, तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता चुका था कि ट्रेडिंग ईजी है, लेकिन आपके पास कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट करना है, ये चीज़ें पता होना आपको ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। तो कोर्स के बारे में जानकारी के लिए आप हमें इंस्टा पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और आप हमें और अपडेट के लिए इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो। तो देख पा रहे हो, मैंने जैसे कहा था कि ये 460 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, थोड़े बायर्स है वहाँ पे। एक बार वो ब्रेक कर दिया तो डाउनसाइड मोमेंट और भी हो सकती है, लेकिन हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ से निकल जाना है। तो देख सकते हो, ये अभी 2000-1500 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है टोटल में, और ट्रेड के सामने तो 2000-3000 दिखेगा, लेकिन उसमें से 900 रुपये वो जो लॉस है पहला माइनस होकर आ जाएगा नीचे। तो चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो भी है। आप देख सकते हो, एमटीएम में नंबर्स बहुत ही फास्टली ऊपर नीचे होते, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहते हैं, लिक्विडिटी रहती है, बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। जैसे ही एक बार ये 21460 का लेवल क्रैक करेगा, ब्रेक करेगा, और भी डाउनसाइड मूवमेंट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, मुझे लगता है और भी थोड़ा टारगेट मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बाउंस बैक ले ले, लेकिन थोड़े से बाउंस बैक में हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ी लॉट साइज है। तो हमने आज चार लॉट के साथ काम किया है। जब ये 10 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो जाता है तो 1000 रुपये इधर उधर हो जाता है। तो चलिए, थोड़ा सा टारगेट मुझे लगता है यहाँ से मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 41560 के आसपास अपना बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और हमारा टारगेट है 21435, 20 रुपये ऊपर नीचे है। तो मुझे लगता है कि और 10 पॉइंट थोड़ा ऊपर टारगेट शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। लग तो वैसे ही रहा है, हाँ आ सकता है। तो चलिए, मैं अपना थोड़ा सा टारगेट और भी मॉडिफाई कर देता हूँ, 21435 से 21445 कर देता हूँ, और 10 पॉइंट ऊपर लेके जाता हूँ अपना टारगेट। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों पूरे दिन भर वेट करके 2000 कमाना उसमें कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर आप 5 या 10 मिनट में परफेक्टली एंट्री लेके अपना प्रॉफिट लेके जा रहे हो तो वो वैल्यूएबल है, क्योंकि आपके ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आएगा।
ये चीजें बहुत ही जरूरी है ये सब ट्रेडिंग करते समय, क्योंकि नंबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आपके माइंड में भी जो भी आपके दिमाग है वो आपको उल्टी सीधी मतलब जो भी है कंट्रोल्स ले लेगा पूरे आपके, तो आप मतलब जो चाहिए वो कर नहीं सकते। इसलिए आपका स्टॉप लॉस और टारगेट हमेशा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। आप टारगेट तो मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस कभी मॉडिफाई मत कीजिएगा, उसको हिट होने दीजिएगा, फिर से जब भी उस डायरेक्शन में जाएगा तब ट्रेड लीजिएगा। तो मैंने अपना टारगेट मॉडिफाई कर लिया, लगता है मुझे हिट हो जाएगा अभी एक मिनट के अंदर, देखते हैं क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि कहा था मैं 445 कर रहा हूँ, तो कर लिया मैंने अभी अपना मॉडिफाई कर लिया पूरा। तो ये जो भी ब्रैकेट ऑर्डर जब भी मिलता है तो स्प्लिट हो जाता है, तो इसलिए मुझे तीन बार करना पड़ता है, कवर ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो चलिए यहाँ से लगता है कि अभी देख रहे हो 2000, 2200, 2500 ये प्रॉफिट दिखा रहा है। अभी 10 पॉइंट बाकी है अपना टारगेट हिट होने में, अभी 8 पॉइंट बाकी है, तो जैसे ही हिट हो जाएगा हमें तो पता ही चलेगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। देखिए मैंने जो बताया था वहां से ये नीचे तो आ रहा है, लेकिन ये 21450 से थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में बाउंस बैक भी 70-80 पॉइंट का हो जाता है, तो हमें अपना टारगेट लेके निकलना ही बहुत ही जरूरी बन जाता है। तो देख सकते हो और ये हमारा टारगेट अभी हिट हो जाएगा, जैसे हिट हो जाएगा तो पोर्टफोलियो में जाके मैं दिखा दूंगा आपको जो भी है। तो देख सकते हैं टारगेट अचीव हो चुका है हमारा, ये देख सकते हैं कितना हमने बुक किया, लगभग 3300 रुपए, मतलब पूरा 4300 किया है, लेकिन वो पहला का लॉस माइनस करके लगभग 3500 के आसपास हमने आज का प्रॉफिट बुक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, और इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टा पे आप हमें DM कर सकते हैं और फॉलो भी कीजिए। थैंक यू।